नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप इंशाल्लाह आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है अपना सजेशन कमेंट बॉक्स से मेंशन कर सकते हैं। आज मैं जो है आपको अपने पढ़ाऊँगी, ये एरिका पाम है, ये मैंने लगाया था। ये मिनिमम ज़्यादातर लोगों की ही पसंद होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ज़्यादा। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, मिनिमम 7 मंथ हुआ होगा तभी मैंने इसको लगाया था। अगर आप इसको जो ठीक तरीके से केयर करेंगे तो इसके जो है बहुत जल्दी इसकी ग्रो हो जाती है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है प्लांट। देखिए 7 मंथ ही हुआ है लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट मेरा। तो मैंने थोड़े टाइम पे जो है फर्टिलाइज़र और वगैरह डालती रहती थी, और वाटर वगैरह मतलब डेली नहीं देना रहता है इंडोर प्लांट्स को, ज़्यादा वाटर नहीं देना रहता है, कभी तीसरे चौथे दिन दे दिया करिए बस, क्योंकि बार बार देने से जो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इंडोर प्लांट्स को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने मेरा प्लांट जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो गया है, बहुत ही बड़ा हो गया है माशाल्लाह। इसकी जो है बस लीफ जो है अगर ड्राई हो जाते हैं, सूख जाएं, तो बस उनको सीजर से जो कट कर दिया करिए, और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। बस टाइम टू टाइम वाटर देते रहिए, फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहिए तो बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लावर पॉट रखे हैं, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी, मिनिमम 12 पीस लाई थी मैं। तो जब मैं लगा लूँगी नए प्लांट्स तो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।